नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम लगातार निवाड़ी जिला में है। निवाड़ी जिला के वार्ड नंबर इस समय 7 में हम लोग हैं, 8 में, वार्ड नंबर 8 में हैं। वार्ड नंबर 7 में भरत यादव को इंटरव्यू आप सब ने देखो है। इसके पहले हम लोग वार्ड नंबर 6 में रोशनी यादव से भी मिली और वार्ड नंबर 8 में आ चुके हैं जगदीश पाल साहब से मिलवे खिलाने। इतने प्रबल प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं वार्ड नंबर 8 से। इनसे चर्चा करें और जानें इनके क्षेत्र में जनता की का कछु समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को निराकरण के लाने इनके दिमाग में का कछु विचार चल रहे हैं, कैसे जनता की समस्याओं को निपटाओ जा सके। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और भी राजनीतिक चर्चा हुई है। देखें कैसों का माहौल है इनके क्षेत्र में। जगदीश पाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद भैया नायक जी का जी। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पाल साहब, अबे आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अबे हाल जनसंपर्क करके लौटी हो। हाँ। दिन में सबसे पहले तो जो ही बता दूं कि कितने गांव में घूम ली, लगभग कितने लोगों से मिल रहा है आजकल? आज हमारो मजल में हमारा जनसंपर्क है, तो मजल के हमने पूरे तीनों चारों खड़कों पर गए। हम मजल में गए, नई बस्ती पर गए, रोतियाने भी गए, बसाता खड़क पर गए, बाड़ाईवाय पर गए। तो सब लोगों से हमने अपना निवेदन किया और वोट मांगे और उन लोगों ने सभी ने हमें आशीर्वाद दिया कि आपको जताएंगे। हम लगातार जा रहे, का समस्याएं देखने को मिल रही जनता से, मिल रही जनता अपनी का समस्याएं बता। नहीं, जनता की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, माननीय मोदी जी ने बढ़िया प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। लोगों बहुत उत्साहक हैं लोग। हम लोग जब जाते हैं तो आवास के हमारे यहाँ काम लगे हैं प्रधानमंत्री आवास के, तो वे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और वो लगता है कई लोग भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े हैं। हाँ, पद हैं कई लोगों के पास, जैसे रोशनी यादव के पास ही पद है। हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्हें सीधा बेनिफिट मिलेगा क्या? आप भी मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट से, तो इसका बेनिफिट मिलना है? हाँ, मिलेगा। नहीं हुए हैं पार्टी, मिलेगा मिलेगा, पार्टी का बेनिफिट मिलेगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएँ इतनी अच्छी काम कर रही हैं कि फील्ड में तो हम जगह जहाँ पर जाते हैं तो हमें बहुत रिस्पॉन्स मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, मुद्रा योजना है, कुल योजनाएं ऐसी हैं जिनसे तो हम जगह हम सीधे जनता से रूबरू हो रहे हैं। पाल साहब, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें होंगी, सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया है आप कह रहे हैं, लेकिन जनता को और कुछ भी आस होगी कि एक काम और हो जाए? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चुनाव जीतने के बाद आप करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए, सबसे पहली बात रखेंगे? अब देखो, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छाएँ होती हैं और उनकी अपन बात सुनते हैं और जितना अपना प्रयास बनता है कि हम तो वहाँ समस्याओं को जितना ज़्यादा से ज़्यादा निदान हो सके उसका हम प्रयास करेंगे। यहाँ किसानों के लिए पानी, सिंचाई के पानी के लिए, पानी के लिए हमारे यहाँ नल जल योजना भी हाल बिल्कुल लागू हो गई है। सारी जितनी हमारी पंचायत आती हैं, 11 पंचायतें आती हैं हमारे जिला पंचायत वार्ड में, तो सारे में लाइनें बिछ गई हैं। पानी लगभग एक साल के अंदर माने चालू होने वाला है, पूरे गांव में लाइन बिछ चुकी है, बस पानी की सप्लाई चालू होने वाली है। पानी की सप्लाई चालू होने वाली है, लाइनें बिछ चुकी हैं। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, 24 घंटे बिजली रहती है हमारे यहाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिजली की, हमें ना कोई समस्या कहीं मिली है, बिल्कुल व्यवस्थित बिजली आती है हमारे यहाँ। एक कैंडिडेट से मिले, वो कह रहे हैं कि मास्टरों को स्कूल आना सिखा देंगे, स्कूलों में मास्टर नहीं पहुंचते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें ताले लटके रहते हैं। यदि ऐसी कुछ बातें आती हैं तो क्या आप ऊपर अपने अधिकारियों को या पार्टी के? नहीं नहीं, हमें ऐसी समस्या हमें तो अभी क्षेत्र में नहीं मिली है, और अगर कहीं जहाँ पर मिलेगी तो माननीय वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, वो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। पाल साहब, आपके अलावा 10 और कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में हैं वार्ड नंबर 8 से, आप चौथे नंबर पे हैं नमूना मतपत्र के हिसाब से। पतंग जो चुनाव चिन्ह है आपकी, आपको क्या लगता है वार्ड नंबर 8 में और कौन सा प्रत्याशी होगा जो आपको टक्कर दे सकता है, क्या लगता है आपको? और नहीं नहीं, टक्कर देने वाले तो ये तो जनता के हाथ में है, जनता ने मन बना लिया है कि पतंग पे ही मोहर लगाना है। हाँ। ना कि हमें किसी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक ही बात है, जगदीश और पतंग। दो चीज़ें याद हो गई लोगों को, दो चीज़ें याद हैं। कितने सालों से राजनीति में हैं? लगभग 15 साल हो गए हैं। हाँ। मैं एक बार इस क्षेत्र से जनपद सदस्य से भी रहा हूँ। हाँ। महिला बाल विकास का अध्यक्ष भी रहा हूँ जनपद पंचायत पृथ्वीपुर से। हाँ। और अभी वर्तमान में किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। हाँ।
तो राजनीति में 15 साल से लगभग भाजपा से बिलोंग करता हूँ। ये जनता है जो वार्ड नंबर 8 की, कैसे चुने कि आप जगदीश पाल साहब जो हैं वो सबसे बेहतर प्रत्याशी हैं इन 10 में से? कुछ ऐसे काम जो आपने किए हों जनता के? मैंने बहुत से काम किए सर, मैंने लोगों के प्रधानमंत्री आवास में सहयोग किया, मैंने उनके राशन कार्ड बनवाने में सहयोग किया, मैंने उनकी ID बनवाने में सहयोग किया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें मैं तो हम जगह जनता से सीधा रूबरू रहता हूँ और मेरा 24 घंटा एक ही काम है, जनता की सेवा करना, और मैं सेवा करता हूँ। उसका परिणाम पिछला चुनाव मैंने लड़ा और मैंने बहुत सारे मतों से 800 मतों से मैं जीता, और फिर जनपद सदस्य का चुनाव मैं 800 मतों से जीता था, और मैं फिर जनता का आशीर्वाद है फिर मैं बहुत बहुत भारी मतों से जीतूंगा। पहले आपका ये हिस्सा टीकमगढ़ ज़िले में आता था और अभी निवाड़ी ज़िला में आ चुका है, निवाड़ी नया ज़िला बना है। तो अब निवाड़ी नया ज़िला है, यहाँ विकास के और क्या क्या जो आयाम हैं वो हो सकते हैं, विकास के और कौन कौन से रास्ते खुल सकते हैं आपके हिसाब से? देखो ऐसा है कि विकास तो हमारी सरकार कर रही है, हम लोग उसमें प्रगति में लगे हैं, जहाँ पर जो कमी पड़ती है हम उसको पूरा करते हैं। जैसे हमारे मजल में आज हम गए थे तो वहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात आई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं जीता तो आपकी गारंटी है कि आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में खुलवा के ही रहूँगा, मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना पड़े और जितने बेस्ट हमारे नेता हैं उन लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूँगा और वहाँ मंजल में मैं उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवा के ही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। ये हैं निवाड़ी ज़िले के वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी जगदीश पाल साहब, इन्होंने बुंदेली वार्ता से बात रखी। पाल साहब, क्या है आपकी अपील यहाँ के क्षेत्र की जनता से, क्या कुछ कहना चाहेंगे बुंदेली वार्ता के माध्यम से? देखो मैं जनता से ये कही अपील है कि जनता मुझे बहुत भरपूर सहयोग दे रही है जी। और मैं अगर जीत के आता हूँ तो जनता की सेवा के लिए मैं खड़ा उतरूँगा और ज़्यादा ना कहते हुए बस बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब जी।